करनाल के वीर अस्पताल में अमृतसर से आए जितेंद्र कौर का इलाज पैसे ना होने के कारण निःशुल्क किया गया। इस दौरान परिजनों ने बताया कि इनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी, जिसका कई अस्पतालों में इलाज करने से इनकार कर दिया गया था। इलाज के लिए JCI व अस्पताल ने अहम भूमिका निभाई है। JCI के सदस्य ने बताया कि जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि एक परिवार ब्रेन ट्यूमर का इलाज नहीं करा सकता, तो इसके लिए JCI व अस्पताल की मदद से उनका इलाज कराने का जिम्मा उठाया गया। इस दौरान डॉक्टर अश्विनी ने बताया कि जितेंद्र कौर की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी, तो जब हमने इसकी जांच की तो पता चला कि इन्हें ब्रेन ट्यूमर है, तो तब इसका इलाज किया गया और इनका ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया है। उन्होंने बताया कि अब उनकी आंखों की रोशनी जल्द ही वापस आ जाएगी। देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, जितेंद्र कौर जो पेशेंट हैं, ये अमृतसर से हमारे पास आए थे। इन्होंने बताया कि इनको 2 या 3 महीने से आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। बाद में जांचों से पता चला कि इनको ब्रेन का ट्यूमर है, जो कि काफ़ी बढ़ चुका है और उसने आंखों की रोशनी को कम कर दिया है। इनके पास पैसों की काफ़ी तकलीफ थी, पैसों की कमी थी, जिसकी वजह से ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। तो इन लोगों ने हमें अप्रोच किया, वीर हॉस्पिटल को अप्रोच किया। तो हम लोगों ने जैसा कि पीछे एक प्लेज किया था कि हम लोग हर महीने एक फ्री ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने अपने पास बुलाया और इनके ब्रेन के हमें 2 सर्जरीज करनी पड़ी और दोनों ही हम लोगों ने निःशुल्क की है। सर, कितना टाइम लगा इस सर्जरी? सर्जरीज काफ़ी बड़ी थी, जो बड़े वाली मेन सर्जरी थी उसके अंदर हमें पूरे 9 से 10 घंटे लग गए थे। काफ़ी बड़ा ट्यूमर था, उसको निकालने में कितने डॉक्टर्स की टीम थी। बेसिकली 2 न्यूरोसर्जन थे उसमें और हमारे एनेस्थीजिया की टीम मिला के 5-6 बंदों की टीम हो जाती है। इससे हम लोगों ने ये ऑपरेशन किया था। अभी पेशेंट की आंखों की रोशनी वापस नहीं आई है, बट 3 से 4 महीने के अंदर हमें उम्मीद है कि शायद वो रोशनी वापस आ जाए। तो इस तरह की पहले से पेशेंट की सर क्या कुछ कहना चाहेंगे और कितनी परेशानी आपको झेलनी पड़ी अमृतसर से आप यहाँ पे आज? सफल इलाज आपका यहाँ पे, आपके वाइफ का हुआ है? हाँ जी सर, मैं तो 3-4-5 हॉस्पिटल में भी गया, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल नहीं उन्होंने इलाज किया। मतलब वो कहते थे कार्ड भी नहीं चलता, इतना बड़ा ऑपरेशन इस कार्ड पर नहीं होगा, और नकद हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए फिर हमें यहाँ का पता चला तो हम इनके पास आए डॉक्टर साहब के, और इन्होंने बिल्कुल फ्री इलाज किया है। जो यहाँ की जानकारी आपको कहाँ से मिली? सर, मैंने नेट पे देखी थी इनकी वीडियो। चलिए, हमारे साथ JCI के मेंबर्स भी हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे JCI की तरफ से? काफ़ी हेल्प JCI करनाल है, जो कि एक आई है JCI इंडिया की, वो उसने जब ये सुना कि ऐसे करके एक पेशेंट हैं जो कि फाइनेंशली बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती हैं और वो अपने जीवन के उस दौर में हैं जहाँ पे अगर उनको इस समय हेल्प नहीं मिली तो शायद वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी उनकी बॉडी। तो हम लोगों ने JCI एजाइल ने हमारे जो इनकमिंग प्रेसिडेंट है JC मोहित कुमार और हमारे ट्रेजरर JC मोहित चावला और पूरी टीम JCI की, JC हरसिमरन वाधवा जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इस समय, सब ने ये मिलकर ये अहल लिया कि ये इसके लिए जितना भी फाइनेंशली जो भी हम लोग कर सकते हैं आउट ऑफ आवर पॉकेट और आउट ऑफ द स्पॉन्सरशिप हम वो करेंगे। तो हम लोगों ने वो फंडिंग इकट्ठी करने की कोशिश करी और डॉक्टर अश्विनी की मदद से हम लोगों ने उसको कलेक्ट किया और भगवान की बहुत दया रही, बहुत कृपा है उनकी कि आज ये स्वास्थ्य लाभ लेके यहाँ से जा रही हैं, आज डिस्चार्ज हो रही हैं और इसके अंदर तहत इसके जो फाइनेंशियल JBD बैंकवेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंकवेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एंड JBD बैंकवेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।